हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज। आप सबसे पहले तो आज बहुत बहुत थैंक यू आपका कि हमारे 10,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सारे कमेंट्स आपके हमारे पास आ रहे हैं और इसके अलावा काफ़ी सारी कॉल्स आ रही है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये पता करना चाह रहे हैं कि सर कैसे ये प्रोसेस होती है। लेकिन आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में हम आपसे बात करेंगे कि आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, अगर आपको करियर अपने अच्छे से सेट करना है तो किन चीज़ों की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और कैसे मोटिवेशन के साथ दोस्तों आपको आगे बढ़ना है लाइफ में ताकि आप वो सब अचीव कर पाएं जो आपने सोचा है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको पागलपन अपनाना पड़ेगा। दोस्तों कई ऐसे लोग इंडिया से निकल के बाहर एजुकेशन करने गए हैं जिन्होंने पागलों की तरह मेहनत करी और लोगों ने इनिशियली उनको सबको पागल ही बताया। जुनूनी वो लोग थे जिन्होंने ये सब कुछ कर दिखाया, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फ्रेंड्स सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको जीवन में सक्सेसफुल होना है फ्रेंड्स तो अपनी दृष्टि बदलनी पड़ेगी, अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप अपनी दृष्टि पर्सपेक्टिव आपका चेंज करें। और फ्रेंड्स शटन मिशेल ने बोला है कि स्टडी अब्रॉड इज़ द ओनली वे एंड द मोस्ट अफेक्टिव वे टू चेंज हाउ वी व्यू द वर्ल्ड। मतलब दोस्तों एजुकेशन अगर आप बाहर लेते हैं, अपना पर्सपेक्टिव चेंज आप करना चाहते हैं तो उसका एकमात्र रास्ता है बाहर, इंडिया से बाहर निकल के आप अपने आप को चैलेंज करते हुए अब्रॉड एजुकेशन आप लें जिससे आपका दुनिया को देखने का नज़रिया बदले और आपकी लाइफ चेंज हो। फ्रेंड्स आप सक्सेसफुल बने उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप एजुकेशन अब्रॉड करें। तो आइए इस वीडियो के अंदर हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो आज बहुत सक्सेसफुल है, इंडिया को एक ऑनर होता है उनको देख के और वो आज वर्ल्ड को चला रहे हैं। फ्रेंड्स को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इन लोगों से। तो फ्रेंड्स नंबर 5 पे निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन फ्रेंड्स इंडिया की फर्स्ट वुमेन डिफेंस मिनिस्टर रही है और अभी ये हैं मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया की ये हैं। और इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन और मास्टर्स डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी JNU से करने के बाद ये लंदन में हो गई थी फ्रेंड, जहाँ पे इन्होंने करीबन 7 से 8 साल ही रही हैं और अपना फर्स्ट जॉब और उसके बाद में प्रोफेशनल करियर सबसे पहले इन्होंने लंदन में स्टार्ट किया था। तो ये हमें दिखाता है कि कैसे बाहर एजुकेशन करने के बाद आप अपने आप को कैसे पर्सपेक्टिव आपका चेंज होता है और लाइफ के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन मिलते हैं। फ्रेंड आज निर्मला सीतारमन इंडिया के लिए बेमिसाल तरीके से काम कर रही हैं और इंडिया की बेस्ट फर्स्ट वुमेन डिफेंस मिनिस्टर थी फ्रेंड्स। तो ये इंस्पिरेशन है हमारे लिए, जो भी स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते हैं वो देख सकते हैं कि कैसे निर्मला सीतारमन ने अपना करियर बाहर जाके सेटल होने के बाद वापस आके कैसे वो इंडिया को हेल्प कर पा रही है और कितना बेटर वो इफेक्टिव तरीके से अपना ऑफिस चला पा रही है जस्ट बिकॉज कि उनको एक एक्सपीरियंस है हाउ टू कम्युनिकेट विद द वर्ल्ड, कैसे हम वर्ल्ड को एक पर्सपेक्टिव में लेके सोच सकते हैं और काम कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये एक मिसाल है इंडिया के लिए निर्मला सीतारमन। और अब हम चलते हैं नंबर फोर पे। फ्रेंड्स हम बात करेंगे रतन टाटा की। रतन टाटा टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन है फ्रेंड्स और वहाँ से वो जिस हिसाब से टाटा को पिछले 20 साल में जिस तरीके से उन्होंने प्रोग्रेस दिया फ्रेंड्स, उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि रतन टाटा कॉर्नवेल यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री करी थी, उसके बाद में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से वो पढ़े हुए हैं जहाँ पे उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी थी मैनेजमेंट प्रोग्राम्स में और वहाँ से उनको एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव मिला था। फ्रेंड्स आपने सबने ये स्टोरी सुनी होगी कि कैसे रतन टाटा ने फोर्ड को अभी कैप्चर किया है और फोर्ड को जब वो अपना टाटा इंडिका सेल करने जा रहे थे तो कैसे उनको बेइज्जती का सामना करना पड़ा था। फ्रेंड्स ये सब आपके पर्सपेक्टिव का कैलकुलेशन है। फ्रेंड्स आप पर्सपेक्टिव कैसे बाहर एजुकेशन लेके चेंज कर सकते हैं उसका बहुत तगड़ा एग्जांपल रतन टाटा है। फ्रेंड्स रतन टाटा ने जो प्रोग्रेस टाटा ग्रुप के लिए की है या इंडिया के लिए की है वो अनबिलीवेबल है फ्रेंड्स और इंडिया को टाटा ने बहुत कुछ दिया है। तो हमारा कहने का मतलब यही है फ्रेंड्स वीडियो से कि आप वो अचीव कर सकते हैं, बस डिपेंड इसी पे करेगा कि कैसे आप अपना पर्सपेक्टिव बड़ा करते हैं, कैसे आप लोगों की समझ अपने अंदर लेके आते हैं। और टाटा से आप फिर ये भी नहीं कह सकते कि सिर्फ टाटा रिच है इसीलिए एजुकेशन अब्रॉड कर पाए, आज वो टाइम नहीं है फ्रेंड्स। दुनिया इंटरडिपेंडेंट है और आज सभी तरीके के ऑप्शंस आपके पास है, फ्री एजुकेशन अवेलेबल है फ्रेंड्स, यूरोप में आप फ्री एजुकेशन कर सकते हैं और बहुत बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आज की डेट में है जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम फ्रेंड्स नंबर 3 की। नंबर 3 पे है फ्रेंड्स
अरुण शूरी ना फ्रेंड्स इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर रहे हैं, जाने माने एडिटर हैं। और 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर करी थी इंडिया के ऊपर फ्रेंड्स, तो सबसे बड़े वॉरियर एडिटर वही थे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो पुटअप किए थे वो अरुण शूरी ने करे थे फ्रेंड्स। ये वाजपेयी की गवर्नमेंट में इंडिया के आईटी एंड कम्युनिकेशन मिनिस्टर भी रहे हैं, और इन्होंने अपनी एजुकेशन जो करी है वो इकोनॉमिक्स के अंदर, डॉक्टर इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से फ्रेंड्स अपनी एजुकेशन करी है। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ ये है कि आप जब बाहर जाते हैं एजुकेशन लेने, तो आप बाहर ही सेटल होने का प्लान नहीं कर रहे, आप वापस इंडिया आके एक अच्छी पोजीशन पे जाके इंडिया की ग्रोथ में अपना बहुत बड़ा योगदान आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। नंबर टू पे बात करेंगे फ्रेंड्स इंदिरा नुई की। इंदिरा नुई के बारे में आप सब जानते हैं, पेप्सी की CEO है, और इन्होंने भी अपनी मैनेजमेंट की स्टडीज फ्रेंड्स येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से किया है। इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है फ्रेंड्स वो ये है कि ये वर्ल्ड की टॉप मोस्ट पावरफुल 100 वुमेंस के अंदर इनका नाम आता है, और पेप्सी की CEO है फ्रेंड्स। और इंडिया से इन्होंने स्टार्टिंग में एजुकेशन करी और बाद में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन जो है येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से कंप्लीट करी है। इंदिरा नुई हम सबके लिए इंस्पिरेशन है फ्रेंड्स कि कैसे आप वर्ल्ड की टॉप क्लास यूनिवर्सिटी से एजुकेशन लेके वर्ल्ड की मोस्ट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी पेप्सी की CEO भी बन सकते हैं आप फ्रेंड्स। तो इंदिरा नुई के बाद में हम अगले नंबर वन पे चलेंगे जिसका आप सब वेट कर रहे थे। नंबर वन पे है फ्रेंड्स सुंदर पिचई। आप सब ने सुंदर पिचई के बारे में सुना होगा फ्रेंड्स, गूगल के वर्ल्ड की सबसे टॉप कंपनी, वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनी गूगल, जिसके बिना आज हमारी लाइफ शायद बहुत मुश्किल में होती अगर गूगल हमारे पास नहीं होता फ्रेंड्स। गूगल क्रोम जिन्होंने इन्वेंट करा, सुंदर पिचई वो है फ्रेंड्स। और सुंदर पिचई ने भी अपनी एजुकेशन IIT से कंप्लीट करने के बाद में USA से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी, और फिर पेनसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट करा फ्रेंड्स। उसके बाद में वो गूगल के अंदर जब उनकी जॉब लग गई, उसके बाद उन्होंने फ्रेंड्स गूगल क्रोम का इन्वेंशन करा। जब वो ये आइडिया लेके आए थे फ्रेंड्स गूगल क्रोम का, तो एक बार सब उनके अगेंस्ट हुए थे, पर कंसिस्टेंट मेहनत की वजह से, अपनी लाइफ फोकस्ड रखने की वजह से और पैशन की वजह से फ्रेंड्स वो आज वर्ल्ड की टॉप कंपनी गूगल के CEO हैं फ्रेंड्स। ये बहुत प्राउड की बात है हमारे लिए। तो सुंदर पिचई हमारे लिस्ट में नंबर वन पे थे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपने देखा कैसे इन लोगों ने अपनी लाइफ चेंज करी है बाहर एजुकेशन लेके फ्रेंड्स। एक बहुत अच्छी इंग्लिश में कहावत है कि द शिप इज सेफ व्हेन इट्स एट हार्बर, बट दिस इज नॉट व्हाट द शिप इज बिल्ट फॉर। मतलब जहाज अपने तट के ऊपर सेफ है, लेकिन जहाज तट पे खड़ा रहने के लिए नहीं बना होता है फ्रेंड्स। तो आप भी निकलिए, अपनी एजुकेशन लीजिए, बाहर जाइए और सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हुए अपनी लाइफ को सक्सेस की राह पे लेके जाइए। आप कर सकते हैं फ्रेंड्स, और जो भी आप सोचेंगे वो पॉसिबल है। बस एक ही शर्त है, मेहनत मेहनत मेहनत। थैंक यू फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब करें आगे ऐसे ही अपडेट्स लेने के लिए। और बाकी हमारी सीरीज आप देख सकते हैं जिसमें हमने आपको स्टेप्स दिए हैं कि कैसे आप बाहर जाके पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड थैंक यू फॉर योर लव और 10,000 सब्सक्राइबर्स के लिए। थैंक यू सो मच।